आज है 14th of November और आज है दिवाली और चिल्ड्रंस डे भी है आज, पर आप लोग ये व्लॉग एक दिन बाद देख रहे हो उसके, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी तो फ़िलहाल मेरे घर पे क्रिश आया है। हम लोग एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले एक जगह पे गए थे क्योंकि मेरे को थंबनेल का एक फ़ोटो खींचना था, पुराने वाले वीडियो का थंबनेल मेरे को चेंज करना था इसलिए, तो फिर वो हम लोग का करके हो चुका है, एक अच्छा फ़ोटो मिल गया है मेरे को। अभी और एक मेरे को जो है वीडियो का थंबनेल चेंज करना है, तो उसके लिए जो है मेरे को कल के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि डे लाइट में एक अच्छा फ़ोटो खींचना है। नाइट में इसलिए खींचा क्योंकि क्या है वो थोड़ा सा नाइट वाला उसका थीम था। और ये फटाके फूटना चालू हो चुके हैं, मुझे पता नहीं मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं, आना तो चाहिए क्योंकि डायरेक्शनल माइक है, मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है तो मुझे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी पीछे फटाके फूट रहे तो मेरे को पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा पीछे डिफरेंस लग रहा होगा, है ना है ना है ना। अभी DSLR नहीं है तो पीछे इतना ऐसा बोके इफेक्ट क्रिएट नहीं करता मेरा फ़ोन, पर आई डोंट नो अगर कर रहा होगा तो, पर ठीक है धीरे धीरे करेगा। अगर मैं मॉर्निंग्स में शूट कर रहा हूँ तो मेरे को ट्राई करना है कि पीछे बोके इफेक्ट आता है या नहीं व्लॉग में। मैंने तो फोटोज़ खींचने के लिए वगैरह लिए लाइट और अच्छी भी लगती है ऐसे, खाली खाली लगता था पीछे। और ये क्या है एंटिक पीस है टीवी, तो थोड़ा अच्छा लगने के लिए इसलिए मैंने वो ख़रीदा था, तो अच्छा लग रहा है अभी रियल लाइफ में, तो एटलीस्ट वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा है। एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसे कंटाल आ रहा है कि अभी अभी साइकिलिंग करके आया तो फिर अभी इसलिए मैं विदाउट एक्सटर्नल माइक व्लॉग कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे हवा का डिस्टॉर्शन ऐसे लाइक डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा बिकॉज फैन चालू है। अभी आज दिवाली है तो जैसे हर एक टिपिकल इंडियन हाउस में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, वैसे कृष्ण के घर पे था, मेरे भी घर पे था, मेरे घर पे हो चुका, अभी कृष्ण के घर पे था तो इसलिए मैं यहाँ पर भी हो गया है अभी। तो अभी हम लोग ऐसे ही चिल कर रहे हैं। कृष्ण का भाई विवान अभी एक्सबॉक्स पर कौन सा गेम प्लेग करके एक गेम है वो खेल रहा है। मुझे नहीं लगता अभी व्लॉग करके कुछ मतलब है बिकॉज हर जगह फटाके फूट रहे हैं और इसकी वजह से मुझे नहीं लगता ऑडियो समझ रहे हो ना यार, तो सीधा मैं आप लोगों को मिलता हूँ जब भी ये सब खत्म हो जाएगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट नाइट और कल मैं एज़ यूजुअल आने के बाद बहुत थक गया था तो फिर मैं सो गया और मैं उठा आज सुबह, और सुबह उठने के बाद मैंने कुछ खास किया नहीं, बस शाम को मैं डीकैथलॉन गया था और डीकैथलॉन में मैंने कुछ शॉपिंग की, जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बोला था मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी वहाँ से, जैसे कि हेलमेट, तो हेलमेट खरीद लिया गया है, यही वाला हेलमेट चाहिए था मुझे, ये ऐसे मैट फिनिश है इसकी, मैट ब्लैक फिनिश, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ऑब्वियसली डीकैथलॉन का है तो अच्छी क्वालिटी का होना ही चाहिए ना, तो इसको ये एक वाइज़र है जो एक रिमूवेबल वाइज़र है ऑब्वियसली, और यहाँ पर पीछे लाइट लगाने के लिए जगह है पर मैं नहीं लगाने वाला बिकॉज मैं एक अपने आप ही एक रियर लाइट बनाने वाला बिकॉज मुझे बनाना आता है और उसे हॉट ग्लू गन से मैं वाटरप्रूफ बनाने वाला हूँ, ऐसा मेरा प्लान है। अब पता नहीं मैं कब तक वो करूँगा पर जल्दी करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये हेलमेट वगैरह लेने के बाद अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जाने की साइकिलिंग के लिए बिकॉज अभी क्या हेलमेट वेलमेट ले लिया मस्त, ऐसे दूर जाने का मन करे पर दूर जाऊँगा नहीं मैं क्योंकि
दिवाली का टाइम है और ऐसे ज़्यादा मुझे घर पे ही रहना है क्योंकि बाहर मुझे जाना पसंद नहीं है। ऐसे फटाके फूट रहे सब जगह पे, ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, 2020 इतना अफेक्ट कर चुका है, मुझे नहीं बाकी के लोगों को, तो फिर भी लोग फटाके फोड़ रहे, लोगों को अपने आप को क्या बोलूँ मैं, अब रहने ही दो, बात ही नहीं करता उस बारे में। आगे बढ़ते, मैंने कुछ बलाक्लावास लिए, ऑब्वियसली मैंने हेलमेट लिया है तो हेलमेट के अंदर बालों को ज़रा ठीक रखने के लिए बलाक्लावास, बंच ऑफ बलाक्लावास। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, और ये दोनों मैंने सेम इसलिए लिए बिकॉज ऑफर था, सस्ते में मिल रहे थे इसलिए लिए हैं इतने सारे। और मैं ज़्यादा साइकिलिंग के लिए जाता भी हूँ, दिन में 2 बार तो जाता ही हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो आई थिंक इतना लेना ठीक था। और साइकिलिंग के लिए ये बलाक्लावा ले रहा था तो फिर साइकिलिंग के लिए कुछ टी शर्ट्स भी ले लिए बिकॉज मेरे पास जो है वो नायलॉन के जो टी शर्ट्स होते हैं ना वो बहुत कम है, और साइकिलिंग के लिए नायलॉन के टी शर्ट्स होना ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी ऐसा नहीं, मतलब कंफर्टेबल फील करोगे और है, मतलब नायलॉन टी शर्ट्स आर बेटर फॉर एनी एक्सरसाइज, टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। तो ये एक नायलॉन का फुल स्लीव टी शर्ट मैंने लिया है, अगेन डिस्काउंट, तो ये लिया, तो शॉर्ट्स भी ले लिया, ऐसे 2 शॉर्ट्स ले लिया मैंने। फिर अगर मैं कुछ ऐसे नॉर्मल टी शर्ट्स पहन रहा हूँ तो फिर अभी मैं आप लोग को मैंने बोला सुबह में साइकिलिंग कर रहा हूँ, पर कभी कभी मैं दोपहर को भी चला जाता हूँ, लेट हो जाता है, तो फिर इसलिए SPF 50 वाले, इसे क्या बोलते हैं, ये बेसिकली वो आप अगर हाफ स्लीव टी शर्ट पहनते हो तो यहाँ पर हाथ पे आर्म पे लग जाता है, वही चीज़ है ये, ताकि आप टैन ना हो जाओ। मेरे हाथ ऑलरेडी टैन हो चुके हैं बिकॉज मैं पहले भी साइकिलिंग करता था धूप में, और अगर आप देखोगे मेरा इधर का कलर और उसके आगे का कलर एकदम अलग ही है। तो ये ले लिया मैंने अभी लॉकडाउन में, जितना अभी घर पे बैठ के खुद को हाथों को अनटैन, अनटैन बोलते हैं डी टैन का जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है वो फेल ना हो जाए इसलिए ये, और टी शर्ट्स मैंने लिए हैं कुछ, अ बंच ऑफ टी शर्ट्स, अगेन ये साइकिलिंग के लिए है, यहाँ पर पीछे एक रिफ्लेक्टर है, एक्चुअली इसके सारे प्रिंट्स ही रिफ्लेक्टिव है, मैंने ऐसे कलर्स इसलिए लिए हैं बिकॉज ये मेरे बाइक से मैच करते हैं, ये लाल कलर का टी शर्ट मेरे बाइक से मैच करता है, व्हाइट कलर का टी शर्ट जो कि यहाँ पर है मेरे बाइक से मैच करता है, ब्लैक कलर का टी शर्ट अगेन मेरे बाइक से मैच करता है, हेलमेट अगेन मेरे बाइक से मैच करता है बिकॉज ये मैट ब्लैक है, मेरी बाइक भी मैट ब्लैक है, बाइक यानी साइकिल, बाइक और साइकिल सेम ही होते हैं लोग, पता नहीं इंडिया में बाइक और साइकिल को अलग कर देते हैं, मतलब बाइक को आप मोटरसाइकिल समझते हो और साइकिल आपकी बाइक, एक्चुअली बाइक और साइकिल एक ही चीज़ होती है और मोटरसाइकिल और मोटर बाइक एक चीज़ होती है, तो ये ज़रा इंडियंस का थोड़ा उल्टा फुल्टा है, तो मैं तो बाइक ही बुलाता हूँ, तो बाइक, ये एक टी शर्ट मैंने लिया है अगेन, और ये सिर्फ 200 रुपये का है, और इतनी सारी मैं साइकिलिंग के लिए चीज़ें ले ही रहा था तो फिर समझा एक बैग भी ले लूँ क्योंकि बैग मुझे सिर्फ 200 रुपये का इतना अच्छा क्वालिटी का मिला, तो आई डोंट थिंक सो बुरी बात है बिकॉज ये 300 रुपये का, मतलब बैग 300 नहीं कितने का है ये, 500 रुपये का बैग मुझे 200 रुपये में मिला, तो मुझे ये अच्छा लगा, और इसमें क्या है अपना समझ लो, पहले
पहले वाला जो मैं बैग यूज़ करता था उसमें मेरा गोरिल्ला पॉड नहीं जाता था, ये थोड़ा सा ऐसे पॉप आउट होके बाहर आता था, तो अभी इसमें मस्त बैठ जाएगा। और मेरे RX-1 का जो कवर है जो मैं हमेशा अपने साथ लेके घूमता हूँ, बिकॉज़ कहीं और अगर पार्क कर दी तो फिर मुझे नहीं चाहिए उसके ऊपर कुछ गंदा गिरे, तो इसलिए मैं अपने साथ कवर लेके घूमता हूँ, और जहाँ पर भी मैं पार्क करूँ उसके ऊपर कवर डाल देता हूँ। तो कवर हल्का भी है तो कैरी करना मुझे सही लगता है, तो इसलिए मैं अपने साथ कवर कैरी करता हूँ। तो ये भी इसमें आ जाएगा गोरिल्ला पॉड मेरा, और मेरा कवर भी इसमें आ जाएगा, तो फिर इसलिए ये बैग खरीद लिया। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बिकॉज़ मैं सुबह से जाग रहा हूँ और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। लिटरली मैं अभी कुर्ता इसलिए पहन के बैठा हूँ बिकॉज़ मुझे ये वीडियो बनाना था। मैं डिकैथलॉन से जाके जैसे ही वापस आया मैंने ये कुर्ता निकाला नहीं, बिकॉज़ मुझे ये वीडियो बनाना था। और अभी मुझे ऑलमोस्ट 5 आवर्स हो, 5 आवर्स नहीं, 3 आवर्स हो चुके हैं, 3 आवर्स प्लस डिकैथलॉन से आके, फिर भी मैं ये पहन के बैठा हूँ। ऊपर से फ़ैन भी बंद करके रखा हुआ बिकॉज वीडियो में नॉइज़ जो है हवा का वो कम आना चाहिए, इसलिए करना पड़ता है। अभी ये वीडियो बंद करके मैं सोने वाला हूँ, और आप लोग से मैं सीधा सुबह मिलता हूँ। ऑब्वियसली अभी इतना सारा ख़रीदा है तो फिर राइड करने का मन कर रहा है, तो इसलिए कल सुबह जो है मैं राइड पे जाने वाला हूँ। क्रिश को मैंने कन्विंस कर लिया है अभी अभी थोड़ी देर पहले कॉल करके कि कल सुबह 7 बजे साइकिलिंग के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को सीधा मिलता हूँ 1 सेकेंड में, क्योंकि आप लोग के लिए तो 1 सेकेंड ही है ना ट्रांजिशन, तो 1 सेकेंड में सीधा आप लोग को मैं रियल लाइफ में सुबह मिलता हूँ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अभी फ़िलहाल दोपहर के 3 बज रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये व्लॉग अभी 3 बजे रिलीज़ करना था, पर अभी रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो मुझे एडिटिंग भी करनी है इस व्लॉग की। तो फिर आई थिंक सो ये व्लॉग आज शाम के 6 बजे तक आ जाएगा, और आज सुबह मैं साइकिलिंग के लिए नहीं गया बिकॉज क्रिश सो गया, और मैंने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए वो उठा नहीं, तो हम लोग नहीं गए। रीजन बता क्या और था? हाँ भाई मैंने बोला ना साइलेंट पे था, सुना करना ज़रा तू। हाँ तो अभी मैं ये कपड़े इसलिए पहन के बैठा हूँ बिकॉज़ राइड के लिए एक्साइटमेंट हो रही है, तो अभी शाम को आई थिंक सो मैं एक शॉर्ट स्पिन के लिए जाऊँगा, देखते हैं। अभी इस व्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड कर देता हूँ बिकॉज़ अभी अभी मैंने वीडियो एडिटिंग ऐप में अपना ये वाला जो व्लॉग है उसके सारे क्लिप्स इम्पोर्ट किए, तो मुझे व्लॉग लंबा लग रहा है, 34 मिनट्स का इम्पोर्ट किया है मैंने, अब वो कट कर करके 10-15 मिनट का तो हो ही जाएगा, तो आई डोंट थिंक मुझे ये व्लॉग उससे लंबा बनाना चाहिए। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है ये वाला तो फिर लाइक करो, और अगर पहली बार देख रहे हो मुझे और चैनल पे नए आए तो बाकी के वीडियोस चेकआउट कर सकते हो जो मैंने बना के रखे हुए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तब। और आज के लिए इतना ही, मैं आप लोग को मिलता हूँ अपने आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए सायोनारा बाय।